نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم dear online student السلام عليكم ورحمه الله وبركاته today we have to continue yesterday topic and this is you know bad debts and allowances for receivables kal maine ek baat batayi thi ki ye jo bad debts aur allowances for receivable hai is chapter ka link jo hai wo क्रेडिट सेल से स्टार्ट होता है इसका जो मेजर पॉइंट है पॉइंट ऑफ स्टार्ट है वो क्रेडिट सेल है जब आप क्रेडिट पे जी क्या बोल रही है आप हो गई फाइल शो नहीं हो रही थी हो गई ना अच्छा इस टॉपिक का ताल्लुक जो है वो अकाउंट रिसीवेबल से है अकाउंट रिसीवेबल हम जब डेबिट करते हैं यानी हमने क्रेडिट सेल की ये पहली एंट्री आपके सामने नजर आ रही है सोल गुड्स ऑन क्रेडिट क्या एंट्री बनी हुई है सोल गुड्स ऑन क्रेडिट की अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट ठीक है अच्छा ये 7 लाख रुपए की आपने रिकॉर्ड की है उसके बाद अभी पैसा मिला नहीं है पैसा मिलेगा उसके बाद कुछ पैसा मिल गया रिसीवेबल कम हो गया क्रेडिट हो गया कुछ डिस्काउंट दे दिया रिसीवेबल कम हो गया कुछ माल वापस आ गया रिसीवेबल कम हो गया कुछ पैसा हमारा बैड डेट्स हो गया रिसीवेबल कम हो गया और आखिर में हमने क्या क्रिएट किया था एक अदद प्रोविजन हाँ डाउटफुल डेट का प्रोविजन बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट अच्छा इसमें आज कुछ वैल्यू एडिशन होगी स्क्रीन इस वक्त आपके सामने ब्लैंक हो गई होगी कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा ना yes. अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट करने लगा हूँ और वो आईसीएमए के पास पेपर का एक सवाल है और उस सवाल में हमने बेसिकली टी अकाउंट बनाने हैं लेकिन मैं डायरेक्ट टी अकाउंट नहीं बनाऊंगा मैं जर्नल एंट्रीज भी बनाऊंगा ताकि आपको सवाल आसानी से समझ आ सके राइट तीन ब्लैंक हाँ सही अच्छा जी सवाल मैंने पेस्ट किया है इसकी रिक्वायरमेंट पेस्ट कर रहा हूँ अभी सवाल नजर आ रहा है आपको अली इंटरप्राइज के नाम से yes. ठीक है फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अली इन जी क्या कह रही हैं आप जासरा एनी क्वेश्चन आ रही है मेरे ठीक है अच्छा ये सवाल तो है ना थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफरेंट भी है बहरहाल मैं बता दूंगा इसकी लॉजिक क्या है कुछ चीजें डेफिनेटली इस टॉपिक में आपको वैल्यू एडिशन के तौर पर नजर आएगी तो वो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी ये सवाल की रिक्वायरमेंट है ठीक है रिक्वायरमेंट नजर आ रही है आप लोगों को यस यस सर ड्रॉ अप द टी अकाउंट्स एंड पोस्ट रेलिवेंट ट्रांजैक्शन एंड बैलेंस देम प्रॉपर्ली अच्छा ये हमें सिर्फ टी अकाउंट बनाने लेकिन मैं टी अकाउंट के साथ साथ इसकी क्या रिकॉर्ड करूंगा जर्नल एंट्रीज ताकि आपको सवाल सही से समझ में आ सके राइट जी ठीक है और इस सवाल में बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको इंशाल्लाह सीखने को मिलेंगे बहुत सारी बातें जो शायद कलम में नहीं की थी आज इस सवाल में हम करेंगे और जी फरियाल स्क्रीन शो हो गई जी सर हो रही है ओके ओके गुड अच्छा फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अली इंटरप्राइजेस अकाउंट रिसीवेबल December 31, 2012 अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा हमें यहाँ पे 2 साल की अकाउंटिंग करनी है 2 साल के लेजर बनेंगे सही आवाज आ रही है भाई सबके पास आवाज सही आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह सर सही आ रही है ऑल इज वेल जी सर बिल्कुल परफेक्ट ठीक है आप एक काम करें जासरा अगेन एक दफा रिज्वाइन करें उनका नेट स्लो हो रहा हुआ होगा नेट का इशू चल रहा होगा आपके राइट ठीक है भाई ओके ओके ठीक है ओके नाउ हमारे पास इस सवाल की थोड़ी सी डिफरेंट अभी आपको थोड़ा सा ये टॉपिक मुश्किल भी लगेगा लेकिन बहरहाल ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अली इंटरप्राइजेस अकाउंट रिसीवेबल कौन सी डेट का बैलेंस दिया हुआ है 1 दिसंबर 1 दिसंबर 2012
और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का भी कौन सी तारीख का बैलेंस दिया हुआ है? दिसंबर 31, 2012। फिर ये ट्रांजेक्शन कौन से साल की दी हुई है? ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर 2013 आर गिवन बिलो, उसमें क्रेडिट सेल दी हुई है, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर दी हुई है, और फिर ड्यूरिंग द ईयर कस्टमर फ्रॉम हुम 20,000 वर रिसीवेबल वर डिक्लेयर बैंकरप्ट, मिस्टर अली ऑनर ऑफ द बिजनेस कंसीडर दैट नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम, मतलब राइट ऑफ करना पड़ेगा इसको, बैड डेट्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर अलाउंस का बैलेंस आपको बता दिया, फिर 2014 की ट्रांजेक्शन बता दी, फिर उसमें एक एडजस्टमेंट है और फिर अलाउंस का बैलेंस। वो सारी चीजें मैं पढ़ूंगा, सॉल्व करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, पढ़े जरा रिक्वायरमेंट, व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड? अकाउंट रिसीवेबल अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। हाँ, दो टी अकाउंट बनाने, एक टी अकाउंट किसका बनेगा? अकाउंट रिसीवेबल, ये टी अकाउंट में स्केच कर रहा हूँ, आपको नजर आ रहा होगा। Yes. हाँ, और ये टी अकाउंट जो है ना थोड़ा सा डिटेल होगा, चूंकि इसलिए क्योंकि हमारे पास जो है ना वो 2 साल की अकाउंटिंग है, इसलिए राइट। ओके, अच्छा भाई, ये टी अकाउंट नजर आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, इसी टी अकाउंट को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि सेम हो जाए टी अकाउंट। एक मिनट, कॉपी और ये पेस्ट, ये हमने कॉपी, यस। अब इसमें थोड़ा सा आपको टेक्निकल लगेगा क्योंकि ट्रांजेक्शन हम टी अकाउंट्स के पोस्ट करते हुए आगे चलेंगे, तो टी अकाउंट की पोस्टिंग से थोड़ा सा इसमें मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल यही तरीका है जिससे आपको आंसर देना होगा पेपर में भी, राइट? ओके, अच्छा, दो टी अकाउंट बनाने और पोस्ट द रेलिवेंट ट्रांजेक्शन एंड बैलेंस देम प्रॉपर्ली। पहला टी अकाउंट किसका बनाना है भाई? अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, ये मैंने टी अकाउंट बना दिया, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है। और दूसरा टी अकाउंट किसका बनाना है? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। हाँ, अच्छा मैं एक बात सोच रहा हूँ कि ये सवाल डायरेक्ट कराऊंगा ना तो आप लोग घूम नहीं जाए, मैं सर डायरेक्ट नहीं करवाऊंगा, डिटेल में करवा दें एकदम। नहीं, डिटेल से मुराद ये कि मैं चाह रहा हूँ इस सवाल से पहले ना, एक मिनट, एक इससे मिलती जुलती एग्जांपल आपको करवाता हूँ, ठीक है, अपने तौर पे। ये सवाल यही होल्ड कर रहा हूँ, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, दोबारा यहाँ पर आऊंगा, मैं एक छोटा सा सवाल बना रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट तो पहले आपका बिल्ड करूँ इस सवाल से मिलता जुलता, ठीक है। एक क्वेश्चन में यहाँ सेल्फ बिल्ड करूंगा, ठीक है, उस क्वेश्चन पे आऊंगा दोबारा मैं भी, ठीक है। एक सवाल बना रहा हूँ, सपोज करें एक बिजनेसमैन है, और बिल्कुल बनाऊंगा रोहित, बनाऊंगा मैं जनरल एंट्रीज। पहले मैं जरा एक सवाल आपको करवाना चाह रहा हूँ, और वो सवाल हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल का। सपोज करें एक बिजनेसमैन है, एबीसी ट्रेडर्स, क्या नाम है उसका? मेमन ट्रेडर्स। नहीं, मेमन नहीं, एबीसी। ओके, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल, उसके पास एक रिसीवेबल आ रहा है, सपोज करें वो रिसीवेबल आ रहा है जनवरी की पहली तारीख 2020, ठीक है, और उसके पास रिसीवेबल आ रहा है सपोज कर लेते हैं 1,00,000 रुपए का। कितने का रिसीवेबल आ रहा है? 1,00,000। अच्छा, फिर इसके पास अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का भी बैलेंस आ रहा है, अलाउंस फॉर Doubtful debt. D-O-U, beautiful, not beautiful, this is doubtful, right? तो ये जो D-O-U, beautiful debt से इसका opening balance suppose कर लेता हूँ Jan 1, 2020 को 5,000 था, कितना था? 5,000। हाँ, अब मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ transactions during
2020. मैंने ये कौन से ईयर की ट्रांजेक्शन आपको बताने जा रहा हूँ? डाउटफुल डेट कहते हैं फरवा उसको, जो पैसा आपका बिजनेस में अभी डाउटफुल है, आपको लगता है कि शायद पैसा डूब जाएगा, ठीक है, वो डाउटफुल डेट होता है. यस ठीक है. तो अब ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग 2020 बता रहा हूँ. सपोज करें कि आपने क्रेडिट सेल की है, और आपने क्रेडिट सेल्स की है सपोज करें 3 लाख रुपए की. कितने की है? 3 लाख. 3 लाख की. फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कितना पैसा कस्टमर ने आपको दे दिया. सपोज करें कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर है आपके पास 1,80,000 रुपए, ठीक है. और फिर सपोज कर लेता हूँ कि सेल्स रिटर्न भी है, जिस तरह कल ट्रांजेक्शन थी ना, ये इस चैप्टर की मेजर इम्पैक्ट्स होते हैं, ठीक है. कितने की सेल रिटर्न है सपोज? 10,000. और फिर सेल्स डिस्काउंट भी है, और सेल्स डिस्काउंट सपोज करे 3,000 का. कितने का है? 3,000. अच्छा, एक होता है डेट्स कंसीडर अनकलेक्टेबल, कभी कभी ये वर्ड यूज होता है. क्या लिखा हुआ होता है? डेट कंसीडर्ड अनकलेक्टेबल. हाँ, या अनकलेक्टेबल डेट, अनकलेक्टेबल डेट्स. क्या लिखा हुआ होता है? डेट अनकलेक्टेबल डेट्स. हाँ, या डेट कंसीडर्ड टू बी अनकलेक्टेबल या अनकलेक्टेबल डेट्स. व्हाट डू यू मीन बाय अनकलेक्टेबल डेट्स? डाउटफुल डेट. लिखना हुआ है ये पैसे नहीं मिल सकते, बैड डेट से. हाँ ठीक है, सही है. अच्छा सही है. अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनकी पॉलिसी है, ये डाउटफुल डेट बनाते हैं टू क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. Provision for doubtful debt at the rate of 5%. ये जो भी ये percentage कुछ भी हो सकती है, ठीक है. To create provision. एक मिनट, यह किसकी आवाज आ रही है भाई? ये किसका माइक ऑन है? To create provision for doubtful debt at the rate of 5% of closing receivable, right? Okay. Right. ये इसकी पॉलिसी है, ठीक है. अच्छा एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, वरना आप लोगों को कुछ मसले होंगे कुछ चीजों पे. एक काम ये करता हूँ मैं, ये 1,80,000 को चेंज करके ये कितना लिखा था मैंने 10,000, इसको 20,000 कर देता हूँ, और इसको 2,20,000, ठीक है. अच्छा भाई अब मैं इसकी रिक्वायरमेंट लिख रहा हूँ सवाल की, फिर उसके हिसाब से आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, ठीक है. रिक्वायरमेंट नंबर ए, ऑल जर्नल एंट्रीज. क्या लिखना है? ऑल जर्नल एंट्रीज. यस. रिक्वायरमेंट नंबर बी, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज. प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स. प्रिपेयर द following accounts. Number one. Number one, account receivable. ये बड़ा comprehensive सवाल करवा रहा हूँ इंशाल्लाह, ठीक है ना. इसमें काफी चीजें इंशाल्लाह आपकी कवर हो जाएंगी. Number two, provision for doubtful debt.
और नंबर थ्री बैड डेट एक्सपेंस। नंबर थ्री किसका टी अकाउंट बनाना है? बैड डेट एक्सपेंस। यस, ये तीन टी अकाउंट बनाने और बाकी जर्नल एंट्रीज बनानी है रिक्वायरमेंट ए में, ठीक है? बहुत ही गौर से समझना ये सवाल, बहुत ही टेक्निकल है और मैं कोशिश करूंगा यह आसानी सॉल्व करूं पैरेलल आपको ताकि नजर आए, ठीक है? यहाँ सामने रख के कुछ जी 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 बोले डायरेक्ट भी पोस्ट हो जाती है अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो, ठीक है? लेकिन मैं चूंकि अभी आपको टी अकाउंट के साथ करवाऊंगा, टी अकाउंट भी लेके चलूंगा। अब देखिए यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ सामने ही ना आपके, यहीं पे सामने सॉल्व करता हूँ मैं, यहाँ स्केच एक लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन अलग अलग कर देता हूँ, सामने ही सॉल्व करूंगा ताकि आपको चीजें नजर आए रिफ्लेक्ट होती हुई। ये मैं इसका एबीसी ट्रेडर्स रिक्वायरमेंट ए, जी एबीसी ट्रेडर्स रिक्वायरमेंट ए क्या है हमारे पास? अकाउंट्स रिसीवेबल। नहीं नहीं रिक्वायरमेंट ए ये नहीं है मेरे भाई, जर्नल। हाँ अब ये जर्नल एंट्रीज जो है ना, पहले तो मैं ये बना देता हूँ फिर मैं लेजर में पोस्ट करके ना आपको सिखाऊंगा, ठीक है? ओके सर। पहले जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करूंगा फिर लेजर में पोस्ट करूंगा, राइट? ओके। इसमें देखिए सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है ना वो क्या है, अकाउंट रिसीवेबल का क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस। अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस जनवरी 1 को कितना रिसीवेबल था? 1 लाख। हाँ याद रखना अकाउंट रिसीवेबल की कोई ओपनिंग बैलेंस की किसी के भी ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस की कोई जर्नल एंट्री नहीं बनती है। ये जुमला याद रखिएगा, किसी के भी ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस की कोई जर्नल एंट्री नहीं बनती, नहीं बनती। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है, जर्नल एंट्री किसी के भी ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस की नहीं बनती, तो अकाउंट रिसीवेबल की कोई ओपनिंग एंट्री नहीं होगी। इज दैट क्लियर? ना अलाउड फॉर डाउटफुल डेट की कोई ओपनिंग एंट्री होगी, राइट? ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस तो पिछले साल के क्लोजिंग से अगले साल के ओपनिंग बैलेंस आते, उसके लिए जर्नल एंट्री रिकॉर्ड हम जब टी अकाउंट में बैलेंस निकालते उसकी एंट्री बनती थी, ये बैलेंस टी अकाउंट से आते थे, बैलेंस टी अकाउंट, तो बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होगी। ट्रांजेक्शन यहाँ से शुरू होगी, ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग 2020। पहली ट्रांजेक्शन बताओ क्या रिकॉर्ड होगी जल्दी से, ट्रांजेक्शन नंबर 1 अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 3 लाख और सेल्स क्रेडिट कितने से? 3 लाख रुपए से। 3 लाख रुपए से। 3 लाख। अच्छा एक मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा जरा, एक मिनट, ठीक है? ओके। खाने में क्या बना? गले ये फाइक की बहुत आवाज निकल रही है, समझ रहे? पढ़ रहा है आजकल लड़का, बहुत पढ़ रहा है आजकल भाई। ये फर्स्ट अटेम्प में पूरा सीएमए क्लियर करेगा भाई। ये चार्टर्ड क्या बनेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनेगा भाई ये पहले साल में। जल्द से जल्द शादी हो जाए फिर सीएमए करेंगे। समझ रहे हो? बहुत जल्दी है। अपने बच्चों के साथ करेगा, अपने बच्चों के साथ करेगा। उस्मान बहुत तेज हो रहा है।
ने चार बच्चों को साथ लेकर आएगा आईसीएम में भाई, चार करी ना ले, बिजनेस बनाएगा भाई, चार करी ना ले, मुफ्ती ताली बनाएगा, अपने ढूंढ लिए ऐसा लग रहा है। अबे अपने चार बच्चों को साथ लेके आएगा ये आईसीएम में, अब्बा बच्चे सारे एक साथ, अब्बू के साथ करेगा फाइक बच्चा। अब बच्चा बोलेंगे अब्बा ये डबल एंट्री समझ नहीं आ रही है। अब्बा बोलेगा मुझे नहीं समझ आई आज तक। अब्बा बोलेगा मुझे नहीं समझ आई आज तक, तुम कौन होते हो समझ नहीं आ रहा, छोड़ो इसको। अब्बा फौज में बच्चे मौज में, ये कि कौन से हजरत ने बोली है ये बात। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या मसला हो गया, इसने क्या बोल दिया सर? ये सर फाइक अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं आईसीएम में। अच्छा भाई इधर आ जाए, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ठीक है भाई, ये पहली एंट्री बन गई, इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कितने पैसे मिल गए? 2,20,000। 2,20,000 क्या एंट्री बनेगी इसकी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट है, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से बनेगी ये एंट्री? 2,20,000। ओके गुड, उसके बाद तीसरी एंट्री क्या बनेगी जल्दी से? सेल रिटर्न डेबिट, सेल डेबिट, सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से बनेगी एंट्री ये? 20,000 से। अच्छा जरूरी नहीं कि हर सवाल में सेल रिटर्न है, जरूरी नहीं कि हर सवाल में डिस्काउंट हो, ये तो मैं आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। डिस्काउंट की एंट्री क्या बनेगी? डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और सेल्स क्रेडिट, सेल्स क्यों क्रेडिट होगा भाई? अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद कितना पैसा अनकलेक्टेबल है जो राइट ऑफ करना है, जो बैड डेट्स रिकॉर्ड करना है? 7,000 जो बैड डेट्स हो गया वो पैसा नहीं मिलेगा? नो सर। उसकी क्या एंट्री बनेगी? बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, बैड डेट एक्स, कल बताई थी ना ये एंट्री, याद है? यस सर। क्या एंट्री बनेगी? बैड डेट एक्स, बैड डेट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से? कितने से? 7,000। अब सुने, अब सुने गौर से, अभी एक दो जी बोले, कॉन्ट्रा अकाउंट जो जिसकी नेचर होती है बैड डेट से, वो अलाउंस फॉर बैड डेट से, प्रोविजन फॉर बैड डेट से, वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स कहते हैं उसको, ठीक है। अच्छा फरवा अभी देखा है सर, बैड डेट्स कभी भी नहीं मिलता या हमें बस शक होता है कि नहीं मिलेगा? देखिए हमें डाउट होता है, शक होता है, इसलिए हम राइट ऑफ करते हैं, बाद दफा वो मिल भी जाता है, फिर उसकी एडजस्टमेंट सिखाऊंगा, वो अभी आएगी अगले सवाल में, ठीक है फरवा। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास 5 जर्नल एंट्रीज थी, नंबर 1 मैं नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ पे, क्रेडिट सेल अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, नंबर 2 कलेक्शन की रिसीवेबल कम हो गया अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कैश डेबिट, नंबर 3 रिटर्न आ गई गुड्स सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, नंबर 4 डिस्काउंट दे दिया डिस्काउंट अलाउड डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, नंबर 5 अनकलेक्टेबल, हमें पैसे ये नहीं मिल सकते, राइट ऑफ करने थे, बैड डेट्स, कितने बैड डेट्स से मैं ब्रैकेट में ले रहा हूं, बैड डेट्स से कितने बैड डेट्स से? 7,000 बैड डेट एक्सपेंड डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये 5 एंट्रीज। अच्छा अब ये जो लिखा हुआ है ना टू क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने परसेंट? 5%। लेकिन ये 5% किसका कैलकुलेट करेंगे? एक तो बनेगा अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट, यहाँ किसका टी अकाउंट और एक डाउटफुल डेट का और एक बैड डेट एक्सपेंस का, ये तीनों टी अकाउंट में पैरेलल यहाँ बना दूं, बहुत स्पेस कम हो गया, एक मिनट थोड़ा आगे करना था मुझे तो मिटा दूं यहाँ से, ठीक है थोड़ा सा आगे करके बनाता हूँ, राइट।
यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल का बन जाएगा, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, और उसके बाद किसका डी अकाउंट है, बैड डेट एक्सपेंस का, राइट? इज दैट क्लियर? सर अकाउंट रिसीवेबल का वो बनेगा ना डी अकाउंट? जी बिल्कुल बना रहा हूँ मैं, और वो रिक्वायरमेंट में भी लिखा है मैंने, नीचे रिक्वायरमेंट पड़े कितने टी अकाउंट लिखे मैंने, तीन। रिक्वायरमेंट नंबर ए थी जर्नल एंट्रीज, रिक्वायरमेंट नंबर बी में हमने बनाने हैं टी अकाउंट, ठीक है? कितने टी अकाउंट बनाने, तीन। पहला टी अकाउंट किसका बनाना है, अकाउंट्स रिसीवेबल। ओके, तो ये मैं लिख रहा हूँ, ये है रिक्वायरमेंट नंबर बी, और उसमें पहला टी अकाउंट है अकाउंट्स रिसीवेबल। कौन सा टी अकाउंट है? नहीं तो जब तक बैलेंस कैलकुलेट नहीं करेंगे वो तो प्लस माइनस करके तो आ जाएगा, लेकिन टी अकाउंट से कैलकुलेट करेंगे, राइट? अच्छा ये बताओ अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, पहले से बैलेंस कितना था अकाउंट रिसीवेबल का? 1 लाख। एंट्रीज के सब एंट्रीज के नहीं बनाएंगे क्योंकि सिर्फ जो रिक्वायर्ड है वो बनाएंगे। देखिए यहाँ पे टी अकाउंट, एक मिनट, किसी ने सवाल पूछा है, फरवा आपने कहा है कि सब एंट्रीज के टी अकाउंट क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्री पे द फॉलोइंग अकाउंट्स, इसमें 1, 2, 3 सिर्फ जो अकाउंट रिक्वायर्ड है वो बनेंगे, वो सारे अकाउंट उस वक्त बनाते जब रिक्वायर्ड होते, अभी सिर्फ तीन अकाउंट रिक्वायर्ड है, नंबर 1 अकाउंट रिसीवेबल, नंबर 2 कौन सा अकाउंट रिक्वायर्ड है, नंबर 2 प्रोविजन फॉर डेट, डाउटफुल डेट। अच्छा ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से क्या मुराद है, डाउटफुल डेट इससे मुराद क्या है, मैंने कल बताया था ना, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट मैं मिटा के लिख देता हूं ताकि आपको फिर परेशानी नहीं हो, क्योंकि हमारा एग्जाम ना ज्यादातर अलाउंस का वर्ड यूज करता है, कौन सा वर्ड यूज करता है, अलाउंस, अलाउंस फॉर doubtful debts, allows for doubtful debts, doubtful है ना, हाँ doubtful है ना, तो doubtful है ना ये, doubtful, doubtful not doubtful, बाकी वाला सर हम लोग के लिए था, ठीक है। अच्छा भाई इधर आ जाए, पहला account receivable, दूसरा D account किसका बना रहा है यहाँ पे, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, यानी अलाउंस फॉर, ठीक हो गया। तीसरा डी अकाउंट किसका बनेगा, बैड डेट एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस, ये थोड़ा सा मैं ज्यादा ही हो गया, ठीक हो गया, सही है भाई जी। अच्छा भाई तीसरा टी अकाउंट बैड डेट एक्सपेंस, अब कुछ चीजें आपको बतानी है पहले तो, जो कि बहुत जरूरी है इस टॉपिक के हवाले से, ठीक है। नंबर 1 जो बात बतानी है वो ये है कि ये जो तीन टी अकाउंट है ना, इसमें से 2 के तो बैलेंस होंगे, 1 का बैलेंस नहीं होगा, पर एक का क्यों नहीं होगा, एक मिनट बता रहा हूँ। फाखरा आपने कहा है कि सर 5 एंट्री में अलाउंस फॉर बैड डेट्स हो सकता है और इसकी नेचर एक्सपेंस है, नहीं फाखरा वो अलाउंस फॉर बैड डेट्स नहीं होगा, वो क्योंकि राइट ऑफ करना है, अनकलेक्टेबल है, तो वो बैड डेट एक्सपेंस ही आएगा वहाँ पे, फिलहाल आ सकता है वैसे कोई मसला नहीं है, लेकिन फिलहाल इसको बैड डेट से करें ज्यादा बेहतर है। अच्छा एक चीज सुने, यहाँ पे मैं कुछ चीजें नीचे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तीन टी अकाउंट बनाने ना, कितने टी अकाउंट बनाने, तीन। कौन कौन से, अकाउंट रिसीवेबल, ये मैं किसी वजह से लिख रहा हूँ, आप समझेंगे सर ये ऊपर लिखा हुआ है आप दोबारा लिख रहे हैं, इसको लिखने की कोई वजह है, क्योंकि ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ताकि ये फाइल में सेव हो जाएंगी और आपको याद रहेंगी आगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो नंबर 1 इसमें अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट कभी बनाना पड़ जाता है, और नंबर 2 अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, अलाउंस फॉर डी ओ यू ब्यूटीफुल डेट्स, राइट?
और तीसरा टी अकाउंट किसका बनाना पड़ जाता है कभी कभी? अच्छा इसमें मसला सर, आपने डी को बी लिख दिया, कहाँ पे? अलाउंस फॉर नहीं, डी लिखा है वो, आपको बी लग रहा है, स्टाइलिश डी है यार। अच्छा अच्छा अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, अब बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ। वो बात ये, अकाउंट रिसीवेबल की नेचर क्या होती है? एसेट। एसेट, और एसेट का बाय डिफॉल्ट बैलेंस कौन सी साइड पे होता है? बाय डिफॉल्ट डेबिट। डेबिट कौन सी साइड पे होता है? डेबिट। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे? अलाउंस फॉर डाउटफुल। अच्छा इसकी नेचर होती है कॉन्ट्रा एसेट। क्या नेचर होती है? कॉन्ट्रा एसेट। ये है एसेट, लिख देता हूँ मैं, याद रहेगा आपको। और ये है कॉन्ट्रा एसेट। क्या है ये? कॉन्ट्रा एसेट वो होता है जो एसेट को कम करता है। क्या करता है? कम करता है। हाँ, कॉन्ट्रा एसेट जो एसेट को कम करता है। तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट, लेकिन एसेट कम होता है तो क्रेडिट। क्रेडिट एसेट कम होता है तो क्रेडिट। इसकी बाय डिफॉल्ट नेचर क्या होगी? डेबिट। अलाउंस की नेचर डेबिट होगी बाय डिफॉल्ट? क्रेडिट। क्रेडिट बाय डिफॉल्ट। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कौन सी साइड पे होता है? डेबिट। डेबिट। अकाउंट रिसीवेबल की नेचर एसेट। एसेट का बाय डिफॉल्ट बैलेंस ऑन द डेबिट साइड। हाँ, मैं चले यहाँ एक चीज लिखता हूँ आपको, ताकि वो फिर नीचे भी लिखूंगा ना। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस होगा डेबिट। कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। डेबिट बैलेंस। और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस क्या होगा? डेट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस। और तीसरा बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस की नेचर तो एक्सपेंस है, लेकिन एक्सपेंस का कोई बैलेंस नहीं होगा इसके टी अकाउंट में कभी भी। बैलेंस निश्चा, नो बैलेंस। इसका बैलेंस नहीं होगा, ये आगे जाके आपको पता चलेगा, फाइनल अकाउंट पढ़ोगे, ठीक है? तो इसकी नेचर तो वैसे एक्सपेंस है। नेचर क्या है इसकी? एक्सपेंस। हाँ, ये मैंने तीनों की यहाँ लिख देता हूँ। ये नेचर लिखी है, ठीक है? तीनों की मैंने क्या लिख दी है? नेचर। एक की नेचर एसेट, एक की नेचर कॉन्ट्रा एसेट, एक की नेचर एक्सपेंस। तो ये है जो अकाउंट रिसीवेबल, उसका बैलेंस डेबिट साइड पे होता है बाय डिफॉल्ट। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का बाय डिफॉल्ट बैलेंस किस साइड पे होगा? क्रेडिट साइड पे। बैड डेट एक्सपेंस का कोई बैलेंस नहीं होगा। नहीं, तो अब आप देखिए ऊपर अकाउंट रिसीवेबल का 1,00,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस है, कौन सी साइड पे लिखूंगा बताएं? डेबिट। डेबिट। ये कहलाता है ब्रॉट डाउन बैलेंस। कौन सा बैलेंस? ब्रॉट डाउन। एक कैरी डाउन होता है ना एंडिंग। यस सर। ये ओपनिंग होता है ब्रॉट डाउन, ठीक है? अच्छा, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस दिया हुआ है 5,000 रुपए, ये डेबिट साइड पे लिखूंगा या क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड। वेरी गुड। ये बात आपको समझानी थी, ये बात ध्यान में रखिएगा। अकाउंट रिसीवेबल की नेचर एसेट, और अकाउंट रिसीवेबल एसेट की वजह से बाय डिफॉल्ट बैलेंस ऑन द डेबिट साइड। डेबिट साइड। डेबिट अकाउंट रिसीवेबल। लेकिन जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट है वो एसेट है या कॉन्ट्रा एसेट है? कॉन्ट्रा बैलेंस डेबिट साइड पे होगा या क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट। ओके, बैड डेट एक्सपेंस का बैलेंस कौन सी साइड पे होगा? क्रेडिट। बैड डेट एक्सपेंस का नहीं बनेगा, नो बैलेंस, इसका बैलेंस नहीं होगा, और सवाल में भी नहीं है, होता भी नहीं है, ठीक है? अब आ जाओ, अब हमने कितनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की? दो। दो थोड़ी, क्या हो गया? 1, 2, 3 जी। जनरल एंट्रीज कितनी बनाई है? पाँच। हमने कितनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है? पाँच। ठीक है, अब इन 5 ट्रांजेक्शन में आप देखिए, इन लेजर की जो ट्रांजेक्शन है वो हमें पोस्ट करनी है। कौन से लेजर की ट्रांजेक्शन जो किसके लेजर में गई है? अकाउंट रिसीवेबल किसके लेजर में गई है? अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, पहली ट्रांजेक्शन अकाउंट रिसीवेबल में गई है सर। यस सर। सेल करेंगे तो रिसीवेबल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? 3 लाख।
अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 3 लाख इधर देखो भाई, डेबिट हो गया अकाउंट रिसीवेबल 3 लाख। यस सर। यस सर। ट्रांजैक्शन नंबर 1 कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? सेल्स। क्लियर मैंने, इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा दूसरी ट्रांजैक्शन में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है 2,20,000 से, एम आई राइट? यस सर। क्योंकि हमें कैश कलेक्ट हो गया, ऐसा ही है? यस सर। अच्छा कैश कलेक्ट होगा तो रिसीवेबल कम हो जाएगा, ऐसा ही है? यस सर। तो यहाँ पे लिखूंगा कैश, ट्रांजैक्शन नंबर 2 कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ऐसा ही है ना? यस। क्या पीसी ट्रांजैक्शन में अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है? यस सर। डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट। क्रेडिट हो रहा है, कितने से क्रेडिट हो रहा है? 20,000। और कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है? सेल्स रिटर्न। सेल रिटर्न। अच्छा सेल रिटर्न को समझाने के लिए SR लिख दूं? स्पेस कम है इस वक्त मेरे पास। यस सर। चौथी ट्रांजैक्शन में अकाउंट रिसीवेबल दोबारा क्रेडिट हुआ, कितने से? डिस्काउंट अलाउड 3,000। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। 3,000। हाँ मुर्तुजा, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, 11 बजे के बाद कॉल करो, ठीक है? हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई डिस्काउंट अलाउड कितना है? 3,000 से रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। यस सर। डिस्काउंट अलाउड डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, क्रेडिट कितने से? 3,000 से। 3,000। हाँ उसके बाद पांचवी एंट्री में रिसीवेबल आया। यस सर। रिसीवेबल डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ? क्रेडिट। कितने से क्रेडिट हुआ? 7,000। और रीजन क्या आएगी यहाँ पे? बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस, तो स्पेस कम है, मैं लिख देता हूँ बैड, बस बैड डेट लिख देता हूँ, ठीक हो गया? 7,000 रुपए। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स नहीं है ना? नहीं, यही था सर बस। अच्छा अब आप देखिए, हम रिसीवेबल का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे कैसे, ऐसे। ये 3 लाख और 1 लाख, साल के शुरू में कितना रिसीवेबल था? 1 लाख। 1 लाख रुपए। फिर आपने कितने की सेल की? 3 लाख। तो टोटल रिसीवेबल कितना हो गया? 4 लाख। 4 लाख में से 2,20,000 मिल गए। यस। 20,000 का डिस्काउंट दे दिया। 2,40,000। 3,000 रुपए का रिटर्न आ गया। चलो कितना हो गया ये? 2,43,000 और 7,000 का राइट ऑफ कर दिया, तो टोटल कितने पैसे एडजस्ट हो गए? 2,50,000। अच्छा भाई 50,000। अच्छा ये मोहम्मद हमजा राजपूत क्या पूछ रहे हो आप? नेट सही नहीं चल रहा तुम्हारा? नहीं पूछ रहे। अच्छा ठीक है, नेट सही नहीं चल रहा उनका शायद। अच्छा भाई ये बताएं कितना सर, ये इसका यहाँ पे 4 लाख आ रहा है, यहाँ पे वहाँ पे सर। हाँ। क्रेडिट साइड गलत आ रही है। गलत थोड़ी आ रही है मेरे भाई, बैलेंस आएगा ना, क्या हो गया? यस सर, आज हमने पूरे पैसे नहीं दिए। हमने नहीं, हमें रिसीव नहीं हुए ना पैसे, वो नेट का कह रहा है। अच्छा ये बताएं कितना रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया? ये अकाउंट तो बनाना आता है ना आप लोगों को? यस सर। रिसीवेबल का कितना क्लोजिंग बैलेंस आ गया? 150,000। 150 आएगा अरीबा, 153 नहीं आएगा, 150 आएगा। 150,000। ठीक है। अच्छा ये 150,000 एंडिंग बैलेंस आ गया, कौन सा बैलेंस आ गया? एंडिंग बैलेंस। कैरी डाउन कैसे आ रहा है? 4 लाख में से ये तकरीबन 2,50,000 रुपए एडजस्ट हो गए, तो अभी भी आपको कितना पैसा रिसीव करना बाकी है? 1.5 लाख। ये किसी भी साल का कैरी डाउन, अगले साल का क्या हो जाएगा? ड्रॉ डाउन। पता है ना ये बात तो हाजा मालूम? उल्लू मालूम? अच्छा अब इधर आ जाओ, ये तो हमने सारी ट्रांजेक्शन पोस्ट कर दी, ठीक है? अभी इसमें एक दो चीजें रह गई हैं, वो आपको समझानी है। वो क्या है हमारे पास भाई? अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट सबको क्लियर है?
अब बताओ मेरे पास कितना रिसीवेबल बच गया साल के एंड में? 150,000. इस 150,000 पे कितना परसेंट डाउटफुल बनाना है? 5%. ये लिखा है टू क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से मुराद अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट. टू क्रिएट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट. कितना अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट बनाना है? 5%. अच्छा, अब जरा बात मेरी बहुत गौर से सुनिएगा, ठीक है? मैं यहाँ पे नीचे एक वर्किंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ एक वर्किंग के थ्रू अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का एंडिंग बैलेंस. क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ जी? क्या किसका एंडिंग बैलेंस? एंडिंग बैलेंस डाउटफुल डेट का. अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट. हाँ, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का एंडिंग बैलेंस. जासरा आपने कहा 1.5 लाख रुपए कैसे आया? टी अकाउंट के डिफरेंस से आ रहा है. डेबिट साइड पे 4 लाख रुपए थे, क्रेडिट साइड पे 2,20,000 और 20,000, 2,40,000 और ये दोनों मिला के 10,250,000. तो 4 लाख में से 2,50,000 रुपए आपके एडजस्ट हो गए. तो अब आपका जो बैलेंस है, जो रिसीवेबल है, वो 1.5 लाख रुपए है. इज दैट क्लियर? जासरा क्लियर हो गया? नहीं, ये असल में आप लोग समझ नहीं रहे यार, आप लोग की प्रैक्टिस नहीं है मुझे लग रहा है. या तो आप लोग, मैं बोल रहा हूँ सर, ब्रेक डाउन हम लोग पहले इसमें क्यों लिखा है ट्रेजर में, अकाउंट रिसीवेबल में? ब्रेक डाउन से क्या मुराद है सर? यानी कि वन एंड मेरे भाई, ये 1.5 लाख रुपए का रिसीवेबल का बैलेंस है. आपका रिसीवेबल ईयर एंड पे सारा एडजस्ट थोड़ी होता है सर. मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट वाले की. फर्स्ट में ब्रेक डाउन पहले लिखा, ब्रेक डाउन 1 लाख. हाँ, वो ओपनिंग तो सवाल में दिया हुआ था ना मेरे भाई, ब्रॉट डाउन ये रहा. बस ये मैं यही पूछा था सर. मेरे भाई ये तो सवाल में दिया हुआ है, ये रहा, ये देखो ऊपर सवाल में दिया हुआ है, ये पहले से रिसीवेबल था. सवाल मेरे भाई, ये पिछले साल का क्लोजिंग होगा, इस साल का ओपनिंग. ये 2019 का क्लोजिंग होगा. कब का क्लोजिंग होगा? 2019 का. 2020 का ब्रेक डाउन है. वेरी गुड, ब्रॉट डाउन. 2019 का क्लोजिंग, 2020 का क्या होता है सर? ओपनिंग. इज दैट क्लियर? ओपनिंग सर, यस सर. अच्छा, अब एक बात सुने, हमने अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का कौन सा बैलेंस कैलकुलेट करना है? कौन सा बैलेंस? एंडिंग. सवाल में क्या लिखा हुआ था? एंडिंग बैलेंस. कैसे मेंटेन करना, ये पॉलिसी पढ़ो. टू क्रिएट अलाउंस कितना परसेंट बनाना है? 5%. इसके 5% का. किसका 5%? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट. नहीं, किसका 5%? अकाउंट रिसीवेबल. अब कोई मुझे बताएगा अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1,50,000. इसका 5% लो कितना होता है? 7,500. जी 7,500. अब जो मैं अगली बात बोलने जाऊंगा ना, ये बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपने बहुत गौर से सुननी है, ठीक है? ओके सर. अगली बात को आपने बहुत एहतियात से सुनना है. जब भी हम अकाउंट रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस पे परसेंटेज अप्लाई करके अमाउंट जो कैलकुलेट करते हैं, वो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग बैलेंस होता है. मैं फिर से बोलूंगा अपनी बात, जब हम अकाउंट रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस पे परसेंटेज अप्लाई करके जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेट करते हैं, वो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का कौन सा बैलेंस होता है? ओपनिंग. एंडिंग बैलेंस. कौन सा बैलेंस होता है? एंडिंग बैलेंस. ओके, व्हेन वी अप्लाइड द परसेंटेज ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, the answer would be the closing balance of allowance for doubtful debt, right? अब आपने बहुत logical बात देखनी है. ये बताएं, account receivable से समझाना शुरू करूंगा. account receivable का T account नजर आ रहा है ऊपर? Yes sir. अच्छा, account receivable के T account का opening balance कितना था, एक बात बताओ? 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh. उसकी कोई मैंने journal entry बनाई थी? देखो. No, sir. अच्छा, नहीं बनी ना अकाउंट रिसीवेबल की ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री?
एंडिंग बैलेंस की भी कोई एंट्री नहीं बनती, 1.5 लाख रुपए की तो जनरल एंट्री बनी थी। मैंने शुरू में कहा था ओपनिंग और एंडिंग की कोई जनरल एंट्री नहीं बनती। अच्छा अब आप मुझे बात बताएं, ओपनिंग और एंडिंग की तो कोई जनरल एंट्री नहीं होती, तो ये बताओ अकाउंट रिसीवेबल की नेचर क्या है? मैंने नीचे लिख के बताया था एसेट, एसेट का ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे होता है? डेबिट। वेरी गुड, एसेट का ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट साइड पे होता है तो मेरे भाई एसेट का एंडिंग बैलेंस कौन सी साइड पे होगा? क्रेडिट। क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे। नजर आ रहा है सबको? ये देखें, ऊपर देखें ये ओपनिंग और नीचे देखें एंडिंग, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनती, नहीं बनती। मरियम आपका माइक है थोड़ा, मैंने म्यूट किया है, मरियम अपना माइक म्यूट कर दें। ओके अच्छा अब आ जाए, अकाउंट रिसीवेबल तो समझा दिया, अब मैं समझाऊंगा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। ये बताओ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की नेचर क्या है पहले तो बताओ? कॉन्ट्रा एसेट। वेरी गुड, कॉन्ट्रा एसेट का ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे होता है? क्रेडिट साइड पे। वेरी गुड, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एंडिंग बैलेंस कौन सी साइड पे आएगा? डेबिट। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इधर देखिएगा, इसका एंडिंग बैलेंस आएगा वुड बी ऑन द डेबिट साइड। कितना एंडिंग बैलेंस हमने कैलकुलेट किया है? 7,500। क्या बात है, 7,500। मैं जरा यहाँ इसको एरो भी बनाता हूँ ताकि आपको याद रहेगा दिस, बल्कि ये एरो थोड़ा सा टूस हो गया, इसको जरा अब सही है। ये याद रखो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे होगा? क्रेडिट। देखो आप ऊपर से समझो, दोबारा ऊपर से समझो, अकाउंट रिसीवेबल एसेट, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, तो एसेट का एंडिंग बैलेंस कौन सी साइड पे होता है? क्रेडिट साइड पे। तो जब अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे, तो एंडिंग बैलेंस कहाँ होगा फिर? डेबिट साइड पे। अच्छा एंडिंग बैलेंस अभी हमने कैलकुलेट किया है, हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमने अकाउंट रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस पे कितना परसेंट अप्लाई कर दिया? 5%। तो कितना आंसर आ गया? 7,500। अच्छा अब आप एक बात गौर से सुनिएगा, ये 7,500 बैलेंस हो गया। सैयद अरशद ये 5% सवाल में दिया हुआ, ये रहा, ये वाला पॉइंट पढ़ो, दिस वन, ये वाली लाइन पढ़ो, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑफ क्लोजिंग रिसीवेबल, हाजा मौजूद इन सवाल। ओके अरशद भाई, अच्छा अब एक बात सुने, हमारे पास सवाल में ये बताओ ओपनिंग पे प्रोविजन कितना था, डाउटफुल डेट कितने थे? 5% थे। अब आपके डाउटफुल डेट कितने हो गए? अमाउंट कितना था ओपनिंग का? अमाउंट कितना था? अमाउंट 5,000। एंडिंग का अमाउंट कितना हो गया? 7,500। वेरी गुड, कितने से बढ़ गया? 2,500। वेरी गुड, अब ये 2,500 की एंट्री बनेगी, क्यों? इसकी लॉजिक सुनिएगा, मैंने कहा था ओपनिंग और एंडिंग की कोई एंट्री नहीं बनती, मैंने यहाँ पे 1,00,000 की कोई एंट्री बनाई थी रिसीवेबल के ओपनिंग की, नहीं। क्या 1,50,000 की कोई एंट्री बनी हुई है? तो बैलेंस से आ रहा था ना सर, लेकिन बीच के सारे इम्पैक्ट की कोई ना कोई एंट्री बनी हुई है, बिल्कुल। इसी तरह अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस 5,000 रुपए, इसकी कोई एंट्री बनी हुई है? यस। क्या हो गया? नो सर। अच्छा 7,500 रुपए एंडिंग बैलेंस, इसकी कोई एंट्री बनेगी एंडिंग बैलेंस की? नो सर। अच्छा अब ये बताओ कितने से बढ़ गया? 2,500। वेरी गुड, कितने से बढ़ गया? 2,500। अच्छा अब एक बात गौर से सुनिएगा, एक अकाउंट में पहले से कितना बैलेंस मौजूद था? 5,000। अब वो बैलेंस कितना हो गया? 7,500। अगर 5,000 बैलेंस पहले से मौजूद था, इसका मतलब है 5,000 पहले से रिकॉर्ड है, अब हमें कितना रिकॉर्ड करना है? 2,500। ये डिफरेंस से आ गया, और ये क्रेडिट साइड पे क्यों आया, इसकी लॉजिक सुने,
ये बताओ अभी आप लोगों ने बोला सर ये 2500 से बढ़ गया, आप लोगों ने कहा था ना भाई आपकी जेब में सुबह 5000 रुपए हो और आप मेहनत मजदूरी करने जाए, शाम को घर पहुंचे जेब में 7500 रुपए हो, कोई खर्चा नहीं किया हो, तो कितने पैसे बढ़ गए आपकी जेब में? 2500। तो ये 2500 से बढ़ गया। अभी ये कौन सा अकाउंट है? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। इसकी नेचर क्या है? कॉन्ट्रा एसेट। और ये बढ़ता है तो क्रेडिट, क्योंकि इसकी नेचर क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट हो गया। अच्छा जब ये क्रेडिट होगा ना, जब ये क्रेडिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? उसके अगेंस्ट डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा होता है? बैड डेट। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा होता है? बैड डेट। एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। याद है कल एंट्री सिखाई थी? यस सर। अब ये इधर देखिए, इधर देखो ये मैं कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, एंट्री नंबर 6। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट किसको करूंगा? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। अलाउंस फॉर बैड डेट भी कहते हैं और इसको अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट भी कहते हैं। कितने से रिकॉर्ड कर दूंगा? 2500। वेरी गुड, क्योंकि इसमें पहले से कितना बैलेंस मौजूद था? 5000। अब बैलेंस कितना हो गया? 7500। तो कितने से बढ़ गया? 2500। सुभान अल्लाह, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। ये एंट्री कल भी बढ़ाई, ये एंट्री कल भी बताई थी याद है? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, याद है? Yes. अब एक बात सुने, यहाँ पे कुछ बच्चे शायद एतराज करें, वो क्या एतराज करें? मैं आपको कल की स्क्रीन शेयर करता हूँ, जरा इधर देखें, ये कल वाला स्क्रीन आपको नजर आ रही है? Yes. यहाँ पे आप बोलेंगे सर आपने यहाँ लिखा था क्रिएट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑफ क्लोजिंग रिसीवेबल, ऐसा ही है? Yes, और यहाँ पे हमने क्लोजिंग रिसीवेबल खुद ही प्लस माइनस करके निकाल लिया था, हमने टी अकाउंट नहीं बनाया था, पता है ना आपको? Yes, कल हमारा क्लोजिंग रिसीवेबल 2,00,000 रुपए आला था। Yes, और ये 5% फिक्स नहीं है, 7% 10% भी हो सकता है। इत्तेफाक है मैंने कल भी 5% लिया था, आज भी कितना ले लिया? 5%। बहरहाल कल ये 2,00,000 का 5% कितना आ गया था? 10,000। और आप बोलेंगे सर कल तो आपने 10,000 से एंट्री बना दी थी, आज आपने 7,500 से क्यों नहीं बनाई? ये सवाल आपके जहन में आएगा ना कि कल मैंने एंट्री कितने से बना दी थी? सुने वो फिर एंट्री 50,000 से बनेगी। सुन तो लो, नहीं ये 2,00,000 क्लोजिंग, एक मिनट खामोश हो जाओ अब्रार, ये 2,00,000 रुपए अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है, ये हमने बगैर टी अकाउंट से निकाला था। ये देखो 7,00,000 रुपए की सेल की थी मेरे भाई, 4,00,000 रुपए कलेक्ट हो गए थे, 20,000 का डिस्काउंट दिया था, 50,000 का रिटर्न किया था और 30,000 का राइट ऑफ किया था बैड डेट्स। तो 7,00,000 में से ये 4,00,000 माइनस हुए, 20 माइनस हुए 50 और 30, 5,00,000 माइनस हो गया, बैलेंस कितना आ रहा था? 2,00,000। अच्छा सर ये कल वाला सवाल है? जी कल वाला सवाल दिखा रहा हूँ, अब सुनो मेरी बात सुनो। कल मैंने डायरेक्ट 2,00,000, सुन लो एक मिनट सब लोग साइलेंट हो जाओ, कल मैंने डायरेक्ट 2,00,000 का 5% निकाला, कितना आ गया था? Yes. 10,000। और मैंने डायरेक्ट 10,000 से एंट्री बना दी, क्यों? क्योंकि कल के सवाल में अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का पहले से कोई ओपनिंग बैलेंस मौजूद नहीं था। जब ओपनिंग बैलेंस जीरो हो, आपकी जेब में सुबह 0 रुपए हो, शाम को 10,000 रुपए हो, तो आपने आज कितने पैसे कमा लिए? 10,000। तो फिर एंट्री कितने से बननी चाहिए? 10,000 से। लेकिन अगर आपकी जेब में पहले से 5,000 रुपए थे, शाम को 7,500 रुपए, तो आपने कितने 7,500 रुपए कमाए? कितने कमाए? नहीं सर 2,500। अब बात समझ में आ गई कि यहाँ पे मैंने इससे एंट्री क्यों बना दी थी? Yes, इसलिए कह रहा हूँ कल को ये लेक्चर रिकॉर्ड करवा दूंगा तो वहाँ पे पॉइंट आपको मसला नहीं करेगा, ठीक है? अच्छा अब मैं दोबारा उसी लेक्चर पे जा रहा हूँ जो भी लेक्चर दे रहा था, अब इधर आ जाओ। इस एक बात जी बताए सर, जब हम माइनस करते थे जो बैलेंस हमारे पास माइनस करके आता था, हम उससे क्रेडिट डाउन बोलते थे ना? बिल्कुल, ये रहा ना क्रेडिट डाउन, 1,50,000 रुपए आया ना माइनस करके, ये डेबिट ज्यादा था अकाउंट रिसीवेबल का 4,00,000, उसमें से ये सब माइनस किया 2,00,000 दी, तो हमने अभी डाउटफुल डेट में निकाला है, तो वो हमने माइनस जो करा वो तो हमारे पास 2,000 आया ना, तो ये जो 7,500 है आपने उससे क्रेडिट डाउन क्यों निकाला? इसलिए लिखा है सुने, ये कंफ्यूजन नहीं है, असल में इसमें ये होता है कि हम पहले निकालते हैं अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस, क्या निकालते?
क्लोजिंग बैलेंस वो कितना निकाला था हमने अकाउंट रिसीवेबल क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे इस सवाल में 150,000 डेढ़ लाख फिर हम डेढ़ लाख रुपए का 5% जो कि कितना बनता है 7,500 अब ये जो हमने कैलकुलेट किया ना जासरा डेढ़ लाख रुपए किसका एंडिंग बैलेंस है बताओ डेढ़ लाख रुपए किसका एंडिंग बैलेंस है नहीं ये डेढ़ लाख रुपए किसका एंडिंग बैलेंस है भाई अकाउंट रिसीवेबल का और इसके ऊपर जो 5% लगाया तो किसका एंडिंग बैलेंस आ गया अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट हाँ अलाउंस फॉर हम नॉर्मली यू आर राइट जासरा के नॉर्मली हम बैलेंस डिफरेंस से निकालते हैं लेकिन यहाँ डायरेक्ट एंडिंग बैलेंस आता है कैसे आता है अकाउंट रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस पे परसेंटेज लगाए तो अल्टीमेटली किसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा डाउटफुल डेट और इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे होता है मैंने अभी बताया था कॉन्ट्रा एसेट है ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे होता है क्रेडिट एंडिंग बैलेंस कौन सी साइड पे होगा डेबिट साइड हाँ तो मैंने इसलिए यहाँ पे रख दिया इज दैट क्लियर नाउ ओके अच्छा जी जी इसमें करना है इसमें बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अब फिर हम आखिर में चेक ये करते हैं हम देखते हैं एंडिंग और ओपनिंग में कितना फर्क आ गया कितने से बढ़ गया ये कितने से बढ़ गया ढाई हजार से उस 2,500 की एंट्री रिकॉर्ड होगी अगर ओपनिंग जीरो होता ना और जीरो से 7,500 रुपए हो जाता तो फिर कितने से बढ़ जाता ये फिर हम ये एंट्री कितने से बनाते हैं बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट ये कितने से बनाता हाँ और अभी कितने से बढ़ा है अच्छा अब इसमें सुने एक और चीज मैंने कितने लेजर मुकम्मल कर दिए दो अच्छा किसी भी साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग अब ये कैरी डाउन से ब्रॉट डाउन कितना हो जाएगा यहाँ पे 7,500 ठीक है अच्छा अब एक मेरी बात सुनिएगा बहुत गौर से बात ये है तीसरा लेजर कौन सा बनाना था इस सवाल में अबरार क्या सवाल है बोले सर मेरा सवाल ये है कि अगर हम लोग ड्यूरिंग द ईयर 2020 में जो हमने ट्रांजैक्शन किए उसका भी टोटल वो उसका खाली हम लोग टी अकाउंट बनाए और ऊपर बैलेंस ना ले तो 50,000 बनता है उसका अगर हम मेरे भाई मेरे भाई 7,500 वो तो ठीक है वो सही है आपकी बात लेकिन ऐसे लॉजिक ऐसे नहीं होती जो लॉजिक आप लगा रहे हो ये आप ये कहते हैं ना इस तरह अकाउंटिंग प्रॉपर वे से होती है ओपनिंग बैलेंस के बगैर नहीं चला जाता जब ओपनिंग बैलेंस होगा तो उसको लेके जाएंगे नहीं सर मैं नहीं सर आप कह रहे हैं कि आंसर सेम आ रहा है आप कहोगे आंसर सेम मेरा वो पॉइंट नहीं है नो डाउट सर मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम पहले पहले जो प्रोसेस होता है कि पहले जनरल एंट्रीज ड्राफ्ट होते हैं फिर टी अकाउंट फिर लेजर होते हैं ना जी तो मेरा पॉइंट है अगर हम लोग शुरू शुरू में जनरल एंट्रीज पास करेंगे तो हम ड्यूरिंग द इयर्स की देखते हैं ट्रांजैक्शन लेकिन तो याद रखो एक मिनट जब कोई टी अकाउंट में जाके टी अकाउंट नहीं टी अकाउंट जब बनाते हो अगर उसका कोई ओपनिंग बैलेंस होगा वो पहले से रख दिया जाता है ओपनिंग बैलेंस राइट यस सर एक सवाल आपने ही पढ़ाया था कि है ना हम लोग का जो प्रोसेस होता है पहले जनरल बनता है लेजर्स फिर ट्रायल बैलेंस यही होता है सही है अगर एक कंपनी है अगर एक कंपनी है उसके सामने ये सिचुएशन है मेरे भाई एक बात याद रखना क्या करेगा वो एक बात याद रखना जनरल एंट्रीज बिल्कुल बनाएगा जनरल एंट्रीज बनाएगा मेरे भाई जनरल एंट्रीज बनाएगा लेकिन जब टी अकाउंट बनाएगा ना तो अगर किसी टी अकाउंट का पिछले साल का क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा हाँ तो सर वो ओपनिंग तो बात की बात है ना पहले तो वो ड्राफ्ट करेगा उसको जब जनरल एंट्रीज बनाते वक्त उसको थोड़ी पता है कि उसका ओपनिंग पड़ा हुआ है या नहीं मेरे भाई पड़ा पता होता है ये सारी चीजें पहले से रिकॉर्ड होती है अबरार ये सारी चीजें पहले से पड़ी हुई होती है अबे भाई तुम लड़ क्यों रहे हो एक मिनट साइलेंट हमजा अबरार ये चीजें पहले से मौजूद होती है उसको पता होती है अकाउंटेंट को जिसके ओपनिंग बैलेंस होते हैं वो पहले से मालूम होते हैं राइट अकाउंटिंग के बाद से है भाई अच्छा भाई एक बात ध्यान में रखना ये जो आप अबरार सवाल पूछ रहे थे ना आप समझ रहे हैं कि अकाउंटेंट को पता नहीं होता अबरार ऐसा नहीं हो सकता और हम तो जो अकाउंटिंग आज के दौर में करते हैं वो सारी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है उसमें सारे बैलेंस अल्टीमेटली खुद पहले से उठ के आ जाते हैं ऐसा नहीं होता कि उसको बैलेंस ही नहीं पता होगा जी रमशा आपका कोई सवाल है आपने हैंड रेस किया हुआ है रमशा डू यू हैव एनी क्वेश्चन Yes, sir, I have a question. जी बोले सर एक चीज में ये हम जो अकाउंट्स पर डाउटफुल डेट निकाला है वो हमने अकाउंट रिसीवेबल के जो कैरी डाउन बैलेंस है उस पे क्यों निकाला है क्योंकि वो दूसरे वाले का ओपनिंग बैलेंस है नहीं वो बेसिकली एंडिंग बैलेंस है आपका रिसीवेबल का 150,000 देखे ना ओपनिंग बैलेंस 1,00,000 रुपए था
तो एंडिंग बैलेंस पे लिखा हुआ था ना, एंडिंग बैलेंस पे ही निकलता है, क्योंकि जब ईयर एंड पे एक रिसीवेबल होता है ना 1.5 लाख, उस पे सोचना होता है इस 1.5 लाख पे कितना डाउटफुल है, उसके ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं, राइट? ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा, अनस अहमद खान, आपका कोई सवाल है? आपने हैंड रेस किया है, अनस अहमद खान, अनस आर यू देयर? अनस अहमद खान, खान साहब कोई सवाल है आपका? आगे चलूं? ओके। अच्छा, फाखरा ने कहा है सर जिस बैलेंस हो तो अकाउंट बनेगा, या जैसे कल किया है जिस क्वेश्चन में। देखिए फाखरा, इस क्वेश्चन में मैंने टी अकाउंट मांगे इसलिए अकाउंट बनाना जरूरी था। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ओपनिंग का ख्याल रखना पड़ेगा कि ओपनिंग बैलेंस अगर है तो वो भी इनकाउंटर होगा। जिस तरह भी अबरार बात कर रहे थे ना, वो अबरार तो शायद समझ रहे थे कि वो सही है। अबरार आप एक बात सुन लेना मेरी, अगर आप यहाँ मौजूद है, आप समझ रहे हैं कि असल में समटाइम पता है स्टूडेंट जो होता है ना, अपनी लॉजिक को प्रूफ करने के लिए समझता है कि टीचर गलत पढ़ा रहा है, और वो अपनी लॉजिक से हटने की कोशिश नहीं करता, वो समझता है कि मैं सही हूँ। हालांकि उसको ये नहीं पता कि भाई आपने अभी स्टार्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, मुझे 10 साल हो गए क्वालिफाई किए हुए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो अबरार एक चीज ध्यान में रखिएगा, कभी आप कोई चीज गलत सोचो ना, टीचर उसको आपको राइट वे में गाइड करे, तो हमेशा ट्राई टू अंडरस्टैंड, और ये नहीं सोचो कि मैं सही हूँ टीचर गलत कह रहा है, मैं अपनी लॉजिक को नहीं साइड में कर सकता। अबरार मैं ऐसा सोच भी नहीं रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ, कॉमन क्यों ले किया कि मुझे ठीक है, क्लियर हो गई? एक्सपीरियंस पे ले रहे, नो डाउट आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है। और मैं बता दूं आपको, ये जो है ना ओपनिंग बैलेंस, ये टी अकाउंट में अल्टीमेटली खुद ही आ रहे होते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ओपनिंग बैलेंस की, ठीक है। अच्छा भाई, बात को आगे बढ़ाऊंगा, और इस बात मैंने कल भी एक बात बोली थी, ये टॉपिक बहुत टेक्निकल है, लेकिन मैं आज नो डाउट मैंने एक ही सवाल करवाया, लेकिन मैंने इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया है आप लोगों को समझाने के लिए। इज दैट क्लियर सर? समझ में आ गया, ठीक है। और मैं कल दोबारा करवाऊंगा ये टॉपिक सुबह, याद रखना। अभी बस मैं 10 मिनट में क्लास ऑफ कर दूंगा, और ये फाइल अभी क्लास के दौरान ही आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह आप लोगों के सामने, उसके बाद क्लास ऑफ करूंगा। दूसरी बात कल सुबह जुम्मे का दिन है, एक बात सुन ले, 11:30 जो क्लास होती है वो इंशाल्लाह 11:30 से लेके 1 बजे तक होगी इंशाल्लाह। तो मेरी सुबह एक क्लास सीए की चल रही होगी, पहले 11:30 बजे मैं वो क्लास ऑफ करूंगा, 10 से 11:30 वो 1.5 घंटे की है। ऑफ करते ही मैं इंशाल्लाह ये कनेक्ट करके आपको फौरन जो ना लिंक भेज दूंगा, आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा, 1 बजे तक क्लास होगी। जो सवाल मैंने ये वाला करवा रहा था ना, ये सवाल अब ये आपको बड़ी आसानी से समझ आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने जो आज ये सारा ग्राउंड बना दिया ना, यहाँ पे तो मैंने 1 साल की अकाउंटिंग की है, इस सवाल में कल इंशाल्लाह कितने साल की अकाउंटिंग कराऊंगा? 2 साल की, ठीक है। और इसके अंदर मजीद कॉन्सेप्ट होते हैं वो इंशाल्लाह कल दूंगा, कोशिश करूंगा कल ये टॉपिक वाइंड अप करूंगा, क्योंकि उसके बाद आगे टॉपिक भी पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी मैं एक बात बता रहा हूँ, कुछ चीजें मैं होल्ड करता जा रहा हूँ, मुझे याद है हर टॉपिक में वो आखिर में मैं इंशाल्लाह डायरेक्ट प्रैक्टिकली आपको इंशाल्लाह उसके थ्रू भी दिखाऊंगा, अपना क्या कहते हैं पोर्टल के थ्रू इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, एक बात सुन ले, इसमें आखिरी टी अकाउंट बना रहा हूँ, कौन सा टी अकाउंट बना रहा हूँ? इसका कोई ओपनिंग बैलेंस होता है? नहीं, ओपनिंग भी नहीं होगा, एंडिंग भी नहीं लूंगा। अब सुने कैसे, पहले तो ये सुनो, ये कितनी ट्रांजेक्शन बनाई है मैंने? 6 जर्नल एंट्रीज ऐसी है जिसपे बैड डेट एक्सपेंस डेबिट हुआ है, 5वीं और 6वीं, ऐसा ही है? Yes. 5वीं एंट्री में बैड डेट एक्सपेंस कितने से डेबिट हुआ है? एंट्री नंबर 5, यहाँ पे लिखो ये एंट्री नंबर 6 थी, ये वाली जो मैंने लिखी थी। एंट्री नंबर 5 में कितने से बैड डेट एक्सपेंस डेबिट हुआ? 7000। और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ? एंट्री नंबर 6 में कितने से बैड डेट एक्सपेंस डेबिट हुआ? 2500। कौन सा अकाउंट डेबिट क्रेडिट हुआ था? Allowance for DOUBT, डाउट लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन थी? नहीं। अब एक बात सुने, क्योंकि मैंने कहा था बैड डेट एक्सपेंस का कोई ओपनिंग भी नहीं होगा, कोई एंडिंग भी नहीं होगा। आपके जहन में शायद एक बात आ रही होगी, सर ये 9500 है ना, कैरी डाउन कर देंगे, है ना, आपके जहन में बात आएगी ना? यस सर। लेकिन मैंने कहा था इसका ना तो कोई ओपनिंग होगा, ना तो कोई एंडिंग। ये साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज हो जाता है, कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस। उसको लिखते हैं अकाउंटिंग में शॉर्टकट में लिखा जाता है P/L अकाउंट, P/L
एल अकाउंट। अब इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, वो जर्नल एंट्री क्या बनेगी सुने, एंट्री नंबर 7 बनाऊंगा। आपको पता है ये जर्नल एंट्री बन गई है, कोई बताएगा ये जर्नल एंट्री क्या बन गई 9500 से, क्या एंट्री बन गई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया ना सर। तो डबल एंट्री क्या बनी है? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी भी कहते हैं इसको, और प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो गया है? डेड एक्सपेंस। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, कितने से एंट्री बनी है ये? 2500। हाँ, मतलब बैड डेट एक्सपेंस में जितना भी डिफरेंस आएगा, चाहे वो डिफरेंस डेबिट साइड पे आए, चाहे वो डिफरेंस क्रेडिट, बैड डेट एक्सपेंस पे जितना भी डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस कौन से अकाउंट से क्लोज हो जाएगा? कैरी डाउन ही होगा ना, ओपनिंग बैलेंस होगा ना एंडिंग, कौन से अकाउंट से क्लोज हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, तो देखो ना, ये बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है ना 9500 से, ये कौन सी साइड है? ये वाली क्रेडिट। कितने से क्रेडिट हो रहा है? 9500। और डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? बैड डेट एक्सपेंस। हाँ नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है ना। यस सर। ये लास्ट एंट्री समझ आ गई सबको? यस सर। अच्छा, एक बात सुनिए, ये मैं फाइल अभी आपके सामने ही, एक मिनट रुकिएगा, आप लोग होल्ड पे रहिएगा, ये इसका पेज नंबर 3 है ना, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ अभी, ये मैं इसका नाम रखूंगा, अभी जो मैंने फाइल आपको सेंड की थी उसका नाम रखा था बैड एंड डाउटफुल डेट, ठीक है ना, ये मैं इसका फाइल का नाम रखा हूँ बैड एंड डाउटफुल, ये जो भी आपका चैप्टर का नाम है, इसके आगे डे 2, ठीक है, बैड डेट्स डे 2 कर दूं, बैड डेट्स डे 2। यस सर। हां, यस सर, नाम छोटा हो जाएगा ना, बैड डेट्स डे 2, ये फाइल मैंने सेव कर दी है और अभी आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं, ताकि फिर आप बोलते हैं कि सर फाइल नहीं मिली, वो असल में फिर देखें बाज दफा सिस्टम भी फिर मैं बंद कर देता हूं, तो फिर मोहित आपने एड्रेस किया, कोई सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे, आपको गरीब आदमी अच्छा भाई, सर मैं आप सबको ये बात बता दूं कि सर अकाउंटिंग के बादशाह हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अकाउंटिंग के बादशाह तुम्हारे अब्बू हैं। बिल्कुल उस्ताद, माँ बाप के बराबर होते हैं, क्यों आपके इधर उधर हो गए क्या? प्लीज साइलेंट। जासरा, जासरा आपने एड्रेस किया, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी, जो हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा वो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, और जो कैरी डाउन होगा वो किसी भी टी अकाउंट का, बिल्कुल यही होता है, ब्रॉट डाउन ओपनिंग, कैरी डाउन एंडिंग। ओके फाकरा, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, नाउ इंशाल्लाह मजीद आपको जो है ना कल परसों की क्लास में, कल की क्लास में खास तौर पे और चीजें इंशाल्लाह सीखने को मिलेंगी। कल मैं इसमें थोड़ा सा एजिंग भी शायद करवाऊंगा, एक सवाल मैंने एजिंग का भी निकाला है पास पेपर से, वो चीजें इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे, और FFA सेक्शन ए फाइल में सेंड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सबको सेंड कर दूंगा, होल्ड पे रहिएगा आप लोग, ठीक है? बैड डेट्स डे 2। अच्छा भाई, खुश है, नॉट कमिंग स्लो, आपको पर्सनल पे मैसेज किया है, जरा सुन ले आप। अच्छा, कब मैसेज किया था सर? सुबह से किया हुआ है, आपने देखा ही नहीं अभी तक। कौन से ग्रुप में? पर्सनल पे, पर्सनल। अच्छा चले, मैं देख लूंगा, ठीक है ठीक है। सर आप पर्सनल पे रिप्लाई नहीं करते, आपकी तबीयत भी पूछी थी, आपने रिप्लाई नहीं किया। असल में बीच में इतने सारे मैसेज आए हुए थे पर्सनल में कि मैं उनको रिप्लाई नहीं कर सका, बीच में बता रहा हूँ 2 हफ्ते में बहुत ज्यादा मतलब मेरी तबीयत डाउन रही थी, और मैं तकरीबन 5 तो मुझे इंजेक्शन लगाए डॉक्टर ने उन 2 हफ्तों में, तो मतलब मैं अल्टरनेट डेज या डेली बेसिस पे भी जा रहा था डॉक्टर के पास, मेडिसिन भी ठीक ठाक चल रही थी, मैं काफी मैसेज नहीं पढ़ सका था, मैं रिप्लाई नहीं कर सका था, इसलिए राइट। अल्लाह रहम करेगा। बिल्कुल।
अच्छा भाई मैंने ये फाइल एक मिनट, ये सेक्शन जी के दोनों ग्रुप, सेक्शन ए के दोनों ग्रुप और सेक्शन बी के ग्रुप कहाँ चले गए भाई? ये रे, ये देखिएगा फाइल मैंने सारे ग्रुप्स में भेज दी है, क्या सबको रिसीव हो गई है तो मुझे बता दें ताकि ये चीज हो जाए कि मेक श्योर कि हाँ आप लोगों को फाइल रिसीव हो गई है जो मैंने आज पढ़ाया है। ये एक ही फाइल बनी है, एक ही पेज की। अच्छा ये सिंगल पेज पे पीडीएफ बनी है क्योंकि मैंने एक ही पेज पे सब कुछ लिखा था, वही सवाल बना के वही सामने जर्नल एंट्रीज बनाई है और वही सामने जो है ना, ठीक है। ये मोबाइल पे भी मैं देख रहा हूँ, समझ में आ रहा है, इतना मसला नहीं है। अगर आप कंप्यूटर पे देखेंगे तो बहुत क्लियर होगा, मोबाइल पे भी क्लियर है अगर आप स्क्रीन को जो है ना वो पोर्टल करके देखें, राइट? ठीक है ना? तो भाई ये देखिए जो कुछ पढ़ाया था इसको जरा नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज हमने डिस्कस की थी। कल मैं इंशाल्लाह एक बार बता दूं, सुन ले भाई एक बात, टुमारो इज फ्राइडे एज यूजुअल इंशाल्लाह 11:30 मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा और उसके बाद जो है आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा इंशाल्लाह, 1:00 तक क्लास होगी इंशाल्लाह। कल की क्लास में मैं इसका एक अच्छा सवाल जो मैंने शुरू में करवाना था ना आज, वो पास पेपर वाला अली इंटरप्राइजेस, उसमें 2 साल की अकाउंटिंग है, कितने साल की अकाउंटिंग है? 2 years की, और उसमें पिछले साल के क्लोजिंग दिए हुए अकाउंट रिसीवेबल और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट के कौन से बैलेंस दिए हुए, क्लोजिंग बैलेंस, जो अगले साल के कौन से बैलेंस बन जाएंगे, ओपनिंग ओपनिंग मतलब हाँ, तो वो हमारा पहले साल का ओपनिंग दिया हुआ है, फिर हम पहले साल के एंडिंग बैलेंस निकालेंगे, फिर दूसरे साल के भी एंडिंग बैलेंस निकालेंगे, 2 साल की अकाउंटिंग करेंगे, दोनों टी अकाउंट बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज भी बना दूंगा ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? Okay, तो भाई सुबह की क्लास जी पूछे सर, वो ये पूछना था कि सर कल जो आप क्वेश्चन करवाएंगे वो इसी के तरह सेम है, बिल्कुल सेम रिलेटेड है? देखिए बिल्कुल सेम नहीं है, उसमें मैं कह सकता हूँ कि 80% सेम है, 20% उसमें वेरिएशन ये है कि उसमें हमने अभी जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का एंडिंग बैलेंस खुद से कैलकुलेट किया था ना जी सर, कैसे कैलकुलेट किया था कि हमने अकाउंट रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस पे परसेंटेज अप्लाई की थी, ऐसा ही किया था? यस सर। और ज्यादातर ऐसे ही होता है, 90% ऐसे ही होता है, एग्जामिनर आपको बोलता है परसेंटेज देता है कैलकुलेट करें, लेकिन ये जो अली वाला सवाल है जो मैं कल करवाऊंगा ना उसमें उसने वो बैलेंस खुद ही आपको कैलकुलेट करके दे दिया है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, यानी वो कैरी डाउन बैलेंस उसने खुद ही बता दिया है, वो कैरी डाउन से फिर हम डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है भाई, तो कल आप लोग सुबह जी क्या कह रहे हैं? कह रहे थे इशू थोड़ा सा था, कल शायद क्लास नहीं ले पाऊंगा। देखिए अगर खुदा ना खास्ता कोई स्टूडेंट क्लास मिस करता है तो वो रिकॉर्डिंग, लेकिन रिकॉर्डिंग बाद में मिलेगी, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा सैटरडे को, अगर आईसीएमए का स्टाफ आएगा ना तो सैटरडे को इंशाल्लाह क्लास के बाद सैटरडे तक जितनी भी क्लासें हुई है ना, ये चारों क्लासें इंशाल्लाह वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, क्योंकि इससे पहले की सारी क्लासें मैं अपलोड करवा चुका हूँ, राइट? अभी मुझे बच्चों ने बता भी दिया था सर पिछले सैटरडे तक के सारे लेक्चर रिकॉर्ड है, उस सैटरडे के बाद मैंने अभी 2 क्लासें ले ली है, कल और आज की, अभी 2 मजीद लूंगा इंशाल्लाह, ये चारों क्लासें इंशाल्लाह सैटरडे को अल्लाह ने चाहे तो अपलोड करवा दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, विद दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी 11:30 बजे, अल्लाह हाफिज़ ओ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।